नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ रीवा के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी रीवा के कलेक्ट्रेट के सामने अपना प्रदर्शन चालू कर दिया है। उनकी केवल और केवल एक मांग है, उनको नियमित किया जाए। पिछले दिनों अगर बात की जाए 2018 की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको नियमित करने के लिए कहा। संविदा कर्मियों का साफ तौर से कहना है, कोरोना संक्रमण काल में हमने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। सरकार ने सबको नियमित कर दिया, हमें नहीं किया। हमारी टीम ने संविदा कर्मियों से जाकर वहां पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। जावेद अंसारी, जैसा कि आपके आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा, सुनवाई तत्काल करो, संविदा नीति 2018 लागू करो। संविदा नहीं नियमित चाहिए, वरना सरकार बदलनी चाहिए। अभी करो, अर्जेंट करो, हम सबको परमानेंट करो, संविदा कर्मी नियमित करो। तमाम तरीके की बातें, सबसे महत्वपूर्ण संविदा नहीं नियमित चाहिए, वरना सरकार बदलनी चाहिए। सीधा सीधा सरकार को अल्टीमेटम। ये स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने कोरोना काल में एक ऐसा काम किया था जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता, रीवा तो जानता ही है। इसके बारे में बात फिर कभी। आज बात यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने आप लोग मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं इसको बता लीजिए, बताइए। सर, हमारे यहाँ सभी संविदा भाई यहाँ 20 साल से अपनी नियम सेवा दे रहे हैं। आम से पूरा नियमित की तरह काम लिया जा रहा है, लेकिन पेमेंट देने के लिए हमारा शोषण किया जा रहा। कोरोना काल में हमारे सभी भाई बहने डट कर अपनी सेवा दी। सभी जब अपने घर में छुप कर बैठे थे, तब हम हॉस्पिटल अपनी सेवा दे रहे थे। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब सब घर में छिप कर बैठे थे, महत्वपूर्ण बात है, घर में छिप कर बैठे थे तो हम सेवा दे रहे थे। आज सरकार हमको भूल गई, सरकार आपको भूल गई। किस तरीके से आप यहाँ पर धरने प्रदर्शन के बाद अगला स्टेप? निश्चित रूप से सरकार की जो कही बातें हैं वो पूरी ना होने के कारण ही हमारे संविदा साथियों में आक्रोश है। और बात है न्याय की, अगर आपके लिए काम करने वाले सारे लोग एक जैसे हैं तो उनके लिए व्यवस्था भी एक जैसी होनी चाहिए। हम लोग सरकार से न्याय की उम्मीद रख रहे हैं, और जब हमने काम किया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ने अपनी बनाई जो नीति है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार न्याय संगत निर्णय लेते हुए हमारी मांगों को निश्चित रूप से पूरा करे। सरकार न्याय संगत निर्णय ले, जो भी सरकार ने कहा था, आज सरकार को वादा निभाने का वक्त आ गया है, वरना संविदा नहीं नियमित चाहिए, हम सरकार बदल देंगे। सरकार बदलने की बात अब स्टार्ट हो गई है। किस तरीके से आप पूरे इसको, आप अपने आंदोलन प्रदर्शन को देखती हो, क्या है प्रमुख मुद्दा आपका? हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, और हम लोग को नियमित की तरह काम भी लिया जा रहा है, और कई बार हम लोग इस तरह के आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग की, वैसे तो हम लोग भांजी है मामा जी की, लेकिन जब हम लोग की आवाज होती है तो मामा जी अपने कान बंद कर लेते हैं और भांजियों की तरफ नजर उठा के क्यों नहीं देख रहे हैं। क्या ये माना जाए कि एक खाली जुमला है, भांजियों की तरफ मामा ने ध्यान नहीं दिया? मैं तो कई, हम लोग और हमारी भांजियां तो कई बार यहाँ पे आंदोलन कर चुके हैं, तो मामा जी ने अभी तक तो ध्यान नहीं दिया है। दिया होता तो शायद हम लोग ये आंदोलन नहीं कर रहे होते। मामा ने अगर ध्यान दिया होता, हाँ जी, मामा जी ने संविदा व्यवस्था को खुद ही उचित नहीं बताया है। उसे उन्होंने इस संविदा व्यवस्था को दूर करने का वादा भी किया है, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट भी किया है, हम लोगों को विश्वास दिलाया था, अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्विटर में भी अपनी बात कही थी, हालांकि बाइट के दौरान भी उन्होंने इन पूरी टीम को इनके जैसे, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 32,000 स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन वो खाली जुमला ही बदल कर रह गया। हालांकि उन्होंने ट्विटर में भी सार्वजनिक रूप से भी घोषणा की। मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट ने एक निर्णय पारित किया था 5 जून 2018 को, उन्होंने कहा था कि संविदा कर्मचारियों को ये नीति लागू होगी, लेकिन कुछ विभागों में नीति लागू हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इतने संघर्ष के बावजूद भी 5 जून 2018 के लिए आज तक लागू नहीं हुई। ये सबसे बड़ा दुख है कि मामा के कैबिनेट का फैसला आज तक लागू नहीं हुआ। स्वास्थ्य मामा के कैबिनेट का फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले आपको कोशिश करता हूं वो मामा का
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिनको ये सब मामा कह रहे हैं वो बाइट दिखाने की, जिस पे उन्होंने साफ तौर पे कहा था 2018 में जो भी कहा था नियमितीकरण की बात पहले उसको देखिए। संविदा पर जो कर्मचारी रखे गए थे उनकी गर्दन पर भी सदैव तलवार लटकी रहती थी, जब मर्जी चाहो हटा दो निकाल दो, वो भी आखिर इंसान है, वो भी काम करते हैं। इसलिए मैंने संविदा की व्यवस्था को ठीक नहीं माना था और आज ये फैसला कर दिया है कोई संविदा कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा और अलग अलग पदों पर जो भर्ती होगी उनमें एक निश्चित प्रतिशत तक इन्हीं में से हम भर्ती करते जाएंगे और वो जब तक सब भर्ती नहीं हो जाते तब तक निकलेंगे नहीं। मतलब नौकरी से निकलने का खतरा जो सदैव था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, अब वो लगभग हमारे ना निकलने वाले रेगुलर काम करने वाले कर्मचारी हैं। फिर उसके बाद इनसे बातचीत हमारी जारी है। और कुछ कुछ बोलना चाहता है तो आप कुछ कहने की? यस सर, बताइए। हम लोग 20 साल से हम 20 साल में नौकरी कर ली और 20 साल तक नौकरी दे रहे हैं। इस कोरोना में जब कुत्ते और कौवे तक नहीं दिखते थे, जब जूठा कोई खाने वाला नहीं था, तो हम स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी लोगों की खखार की जांच, जो अंदर लवाज डाल के जांच करते तब हम लोगों ने, ये टेक्नीशियन जांच कर रहा था, आज तक मामा जी ने सुना नहीं। आप बताइए हमें कब कब करेंगे, जब मर जाएंगे तब करेंगे, कहते तो है कि नियमित कर देंगे कर। अभी तक क्यों नियमित किए, सबसे बड़ा सवाल इनका यही है। हालांकि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 32,000 इनके जैसे स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने कोरोना काल में, जब जैसा कि अभी ये कह रही थी कि कुत्ते बिल्ली भी सड़क में नजर